देखो, किसी मसरूफ़ आदमी को बराह रास्त फ़ोन ना किया करो, मैसेज किया करो कि मैं आपको फ़ोन कर सकता हूँ, क्योंकि मैं इसका बहुत सताया हुआ, बहुत सताया। अल्लाह का फ़ज़ल है, मेरा अक्सर वक्त मसरूफियत में होता है। फ़ोन करने वाले को क्या पता कि मैं किस हाल में बैठा हूँ। और जब मैं फ़ोन नहीं उठाता हूँ तो मुझे फ़ौरन फतवा आता है, मुतकब्बिर हो गए हो, मैं वज़ीर आला नहीं इसलिए मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे हो, मैं सईद अनवर होता, जुनैद जमशेद होता, मैं शहबाज शरीफ होता, मैं पता नहीं परवेज़ इलाही होता, तो फिर तो तुम मेरा फ़ोन उठाते हो। इस किस्म के मैसेज आते हैं फिर, जो इंतहाई तकलीफ दे होते। किसी की जो ज़ाती ज़िंदगी है वो उसको अल्लाह ने हक़ दिया है, उसमें इंटरफेरेंस जो होती है कि मैं किसी की बात सुनूं ना सुनूं, अल्लाह ने मुझे हक़ दिया है। फिर ख़ास तौर पर आप फ़ोन कर रहे हैं, आपको क्या पता कि अगला का कहाँ बैठा हुआ है। और इसने बहुत लोगों को बदअखलाक भी कर दिया है, बदतमीज़ भी कर दिया है, और कुछ ऐसा फोबिया हो गया है। मैं टॉयलेट में मैंने सुना फ़ोन पर गल्ला करता बैठा, बाहर लाइन लगी हुई अंदर गल्ला करता बैठा। और ये हमारे जो सौदागर हैं, ताजर पाकिस्तानी, ये टॉयलेट में बैठ के सौदे कर रहे, चुक लो बेच लो कर लो, और बेवकूफ़ पेशाब तो ठीक कर लो। एक हाथ में फ़ोन कान को लगा तो दूसरे हाथ से खाना खा रहे हो। तो अरे अपनी जान के दुश्मन न बनो कि खाना खाते हो, सिर्फ खाना खाओ, फ़ोन ऑफ कर दो। बीवी के पास बैठे हैं, खुशगपियाँ हो रही हैं, टर्न बीवी तो पारा हो गया। आप इनसे सबक सीखो जो हफ्ता इतवार छुट्टी करते हैं, वाकई छुट्टी करते हैं, फोन भी इनका ऑफ होता। तुम्हें कौन सा हबड़ा पड़ गया है कि सोते हुए भी फोन, बीवी के पास बैठे हुए फोन। किसी की निजी जिंदगी में, प्राइवेट जिंदगी में इस कदर दखल अंदाजी, ये बदतमीजी की इंतहा है। चूँकि मैं इसका दुखी हूँ इसलिए मैं मुझे नहीं पता यहाँ तुम आ रहे हैं क्या दस्तूर है, लेकिन मेरे साथ यही होता है कि एक एक नंबर से 30-30 कॉलें आ रही होती। एक दफ़ा मैं भूल गया, फ़ोन बंद था, मैं रात को नफलों में था, जब सलाम फेर के बिस्तर पाया तो देखा 80 कॉल एक नंबर से आई थी, एक नंबर से 80। किसी को भी फ़ोन करना हो, अगर तुम्हारी शनासा ही है ठीक है, जब मर्जी करो, लेकिन उसका भी टाइम देखो। वो तुम किसी, तुम्हारी शनासा ही नहीं, आदमी मसरूफ है, उससे इजाज़त तो ले लो, मैं आपको फ़ोन कर सकता। मिलाते जा रहे हैं, मिलाते जा रहे हैं, मिलाते जा रहे हैं, मिलाते जा रहे हैं, रात 12 फ़ोन खुला रहेगा, इंसान है, कुछ 1:30 बजे के करीब टन मेरी आँख खुल गई। मैंने कहा कोई मुसीबत में होगा जो फ़ोन कर रहा है। जी जी मौलाना साहब, मसला पूछना था कि टॉयलेट में दुआ पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते। मैं कहो फिटे मुंह तेरे मसला, और तुझे 1:30 बजे ये याद आ रहा है। इस फोन ने बहुत दुखी किया लोगों को, इसके आदाब सीखो। जिस दिन छुट्टी हो फोन बंद कर दो, अपने बच्चों के साथ रहो, बैठो फ़ोन बंद कर दो, अपने बच्चों को टाइम दो, बीवी को टाइम दो, उनका हक है ये।